चांदपुर गेट मून गेट वेस्टर्न साइड है ठीक है। नेक्स्ट सामने ईस्टर्न गेट, सामने वो ईस्टर्न गेट है इसको बोलते हैं सनपुर गेट। ये कौन सा डोम दिख रही है? यहाँ से राजा महाराजा इधर देखते थे, उनके जो सैनिक हुआ करते थे वो परेड करते थे। अभी जो है लेटेस्ट टाइम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो नक्काड़े ये बने हैं, ऊपर की साइड नक्काड़े रखे हुए हैं जो कि अब पहले जो बनते थे जब राजा एंट्री लेते थे जब नक्काड़े बजाए करते थे ठीक है ना, बांसुरी वगैरह जो उनसे बजाए होती वो यहाँ पर बजाए। अब जो है एक तो है इन ये कॉर्नर्स या फिर हाथी जो एंट्रेंस होता था वहाँ से, तो पब्लिक को एक्सपायर यानी उसको इंप्रेस करने इंस्पायर। पहले अपन टिकट लेंगे उसके बाद अंदर चल के और ठीक। अच्छा यहाँ टिकट लगेगी? पहले क्या बनाते थे मंदिर, आप सिटी प्लेस जाएंगे सिटी प्लेस में गोविंद देव जी का मंदिर जो कि मंदिर किले के साथ ऐसे ये मंदिर बनाया जाता था। कौन सा मंदिर? सवाई मानसिंह जी। अच्छा। काली देवी अपनी जो थी यहाँ पर शिला माता देवी सबसे मशहूर। अच्छा यहाँ मंदिर है, यहाँ ये मंदिर है। दो मेले लगते हैं क्षेत्र और शारदीय ठीक है। ये बंगाल से इसको जीत कर लाए थे राजा मानसिंह ठीक है, और यहाँ पर स्थापित किया। क्या कर दिया स्थापित? किसको जीत के लाए थे? बंगाल से शिला माता को ठीक है। मिलकर बनाए ठीक है, और अलग अलग जनरेशन ने सवाई मानसिंह सेकंड, मिर्जा राजा जयसिंह और जयसिंह सवाई जयसिंह द्वितीय। मतलब सवाई जयसिंह कौन था? पीढ़ी है सर। अच्छा पीढ़ी। जयपुर के निर्माता सवाई जयसिंह जी कौन? अब जैसा कि आप देख रहे हैं अपन पहला पार्ट, ये सबसे पहला पार्ट जिसका दीवाने आम ठीक है। दीवाने आम का मतलब है आम लोग के लिए, दीवाने आम से समझते हैं आम लोगों के लिए। यहाँ से जो एंट्री लेता था आम लोग ठीक है, यहाँ से राजा के पब्लिक की वो यहाँ पर आती थी, सबसे पहला पार्ट। अच्छा राजा की जो पब्लिक कंप्लेंट करने या कुछ भी तो यहाँ पे आती थी। यहाँ पर इसको बोलते हैं आम सभा जनसभा भवन। अच्छा यहाँ राजा बैठता था क्या? राजा वहाँ अंदर बैठते थे ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक सभा लगती थी और जो इसको बोलते हैं हाई कोर्ट लगती थी, उसको हाई कोर्ट भी बोलते हैं, हाई कोर्ट भी बोलते हैं, सब बोलते हैं ठीक है। आप देखिए रेड स्टोन से बना हुआ चारों तरफ से, उसके अलावा अंदर और दो कला मिलकर बना है, हिंदू कला और मुगलिया कला। हिंदू कला के लिए उदाहरण है गणेश जी की मूर्ति, इसमें सब जगह देखिए गणेश जी का प्रतिबिंब ठीक है। मुगलिया कला का ये उदाहरण है ठीक है, ये दो कलाओं से मिलकर बना है। जैसे कि आपको पता है दोनों मिक्स हो गए थे, हिंदू और मुगल दोनों मिक्स हो गए थे, इसलिए हिंदू और मुगल में क्या फर्क क्या है? फर्क ये है ना, ये दिखा आपको कला अलग अलग आ रही है, ये मुस्लिम और हिंदू हिंदू का है ऐसे। अच्छा ऑफिस। अच्छा 27 के चेहरे ये इनका विधा पब्लिक सभा है, और ये राजा आते थे यहाँ से। ये 27 कचेरी है यहाँ पे लिखा हुआ है। वो क्या है, मछली बहुत हो गई, वो मछली खाएगा, उसके लिए सबसे बढ़िया चीज मछली ठीक है। अब देखिए सर इसके बारे में सुन लीजिए।